तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज एज अ ड्राउंड एंड ड्राउंड बनके गाइस मेरे टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, जहां पे सबसे पहले मुझे अपने लिए एक ट्राइडेंट लेना है, मुझे अपने लिए एक प्यारा और खूबसूरत सा अंडर वाटर मॉडर्न हाउस बनाना है, मुझे ओशन मॉन्यूमेंट को ढूंढ के उसे रेड करना है एंड उसे अपने कब्जे में लेना है एंड फाइनली गाइस हमेशा की तरह मुझे एंड में जाके एंड ड्रैगन को हराना है। तो क्या मैं ये 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा एज अ ड्राउंड, वो भी हार्डकोर में, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था ड्राउंड बन के इस प्यारे से ओशन के अंदर, जहाँ पे मेरे आसपास काफी प्यारी प्यारी सी मछलियां घूम रही थी। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि अपने आसपास यहाँ पे काफी सारे ड्राउंड है एंड किसी के पास तो ट्राइडेंट भी है जो कि अपने को लेना है, बट अभी मैं इनको मार के नहीं ले सकता वरना ये अपने पे 2-3 अटैक करके अपने को यही मार देंगे। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि जब भी हम पानी के अंदर रहेंगे अपने ड्राउंड को मिलेगा हेज 4 का इफेक्ट, जिसकी हेल्प से हम इजिली कोई भी ब्लॉक को काफी फास्ट तोड़ सकते है। बट एक चीज गाइस जो अच्छी नहीं थी वो ये थी कि हम धूप में बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते वरना ये सूरज हमें जिंदा जला देगा। एंड अभी हमें अपनी जर्नी की शुरुआत भी करनी थी एंड उसके लिए मुझे कुछ टूल्स की जरूरत थी एंड उसके लिए मैंने डिसाइड किया क्यों ना एक शिपरेक को ढूंढ लिया जाए, इसलिए मैं सीधा निकल गया एक शिपरेक को ढूंढने के लिए। एंड फाइनली गाइस काफी देर भटकने के बाद मुझे यहाँ पे एक छोटी सी शिपरेक मिल चुकी थी, जिसके पास मैं फटाफट से चले गया। यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक चेस्ट मिल गई, जिसके अंदर से गाइस मुझे यहाँ पे एक प्रोटेक्शन वाला हेलमेट मिल गया, एक सस्पिशियस ट्यूब मिल गया, कुछ पंपकिन मिल गए एंड कुछ पेपर मिल गए। एंड साथ ही गाइस यहाँ पे दूसरी तरफ भी एक चेस्ट थी, जिसके अंदर से गाइस मुझे यहाँ पे एक ट्रेजर का मैप, कुछ बुक्स और कुछ पेपर्स मिल गए। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने लिए कुछ बनाने की, इसलिए मैंने यहाँ से फटाफट से अपने लिए कुछ लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया एंड उसकी हेल्प से गाइस मैंने फटाफट से अपने लिए वुडन की पिकैक्स और एक एक्स बना दिया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और खाने के नाम पे हमें रॉटन फ्लैश खाना पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक करके सारे फिश को मारने लग गया ताकि हम उसे कुक करके जो है इजिली मजे से खा सके। काफी सारे फिश को मारने के बाद मैं यहाँ पे नीचे की तरफ काफी सारे स्टोन को माइन करने लग गया ताकि हम अपने टूल्स को स्टोन में भी कन्वर्ट कर सके। एंड उसकी हेल्प से गाइस मैंने सबसे पहले अपने लिए एक फर्नेस बना दिया एंड बचे हुए स्टोन की हेल्प से मैंने अपने लिए एक स्टोन की पिकैक्स और एक एक्स बना दिया। एंड उसके बाद गाइस मैंने सबसे पहले अपने पास जितने भी फिश थी उसे मैंने फर्नेस में कुक करने के लिए रख दिया अपने प्लैंक्स की हेल्प से, बट मेरे पास प्लैंक्स की थोड़ी सी कमी थी इसलिए मैं ऊपर आ गया एंड मैं शिपरेक से जो है थोड़े बहुत और प्लैंक्स को कलेक्ट कर लिया एंड प्लैंक्स लगा के मैंने फिर से अपने फिश को कुक करने के लिए रख दिया। एंड जैसे गाइस मेरी सारी फिश कुक हो चुकी थी, मैंने बड़े मजे से खा के उसे अपनी हेल्थ को फुल कर लिया एंड मैं बाहर आ गया। नाइस। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि मेरे इन्वेंट्री में था एक लेदर का कैप जो कि अपने को शिपरेक से मिला था एंड ये गाइस अपने को धूप से बचा सकता है, इसलिए मैंने उसे पहन लिया एंड मैं उसे टेस्ट करने लग गया एंड लकीली गाइस ये काम कर गया और मैं धूप से बच गया, यानी कि गाइस हम फाइनली अब बाहर आ सकते हैं एंड हम बाहर की भी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले गाइस जो मेरे पास ट्रेजर का मैप था मैं उसकी लोकेशन पे जाने लग गया ताकि हम ट्रेजर को ढूंढ सके। एंड जैसे मैं उसकी लोकेशन पे पहुंच गया मैं यहाँ पे डिगिंग करने लग गया ताकि मुझे वो ट्रेजर वाली चेस्ट मिल सके। एंड काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे चेस्ट मिल चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे 5 आयरन, कुछ आर्मर पीस, हार्ट ऑफ द सी और वाटर ब्रीदिंग के पोशन मिले। एंड उसके बाद गाइस जो मुझे 5 आयरन मिले थे उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक मस्त वाला आयरन हेलमेट बना दिया एंड लेदर वाले हेलमेट को फेंक के मैंने उसे पहन लिया। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? एंड इसी तरीके से गाइस तैरते तैरते चलते चलते मैं फाइनली एक बढ़िया से लैंड पे पहुंच चुका था, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे काफी बड़ी और काफी खतरनाक सी केव मिल चुकी थी, जिसके अंदर से हमें काफी सारी चीजें मिल सकती है। केव के अंदर पहुंचते गाइस मुझे यहाँ पे सबसे पहले भर भर के काफी सारा कोल मिल गया जो कि अपने को स्मेल्टिंग में काम आएगा, इसलिए मैंने सबको ले लिया। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइस मुझे फाइनली यहाँ पे कुछ आयरन मिल चुकी थी, जिनको माइन करते करते गाइस मुझे यहाँ पे पीछे छुपे मिले कुछ लैपिस लाजुली, मैंने उनको भी ले लिया। एंड आगे गाइस मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत कॉपर मिल गए एंड साथ ही और भी भर भर के काफी सारा आयरन और कोल मिल गया, जिसे गाइस मैंने एक एक करके फटाफट से माइन करना स्टार्ट कर दिया ताकि हम अपने लिए तगड़ा फुली आयरन का आर्मर और साथ ही सारे आयरन के टूल्स बना सके। एंड काफी देर तक माइनिंग करने के बाद मैंने अपने फर्नेस को लगाया एंड जितना भी आयरन मेरे पास था उसे मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड जैसे गाइस मेरे सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, मैंने अपने लिए आयरन की चेस्ट प्लेट, एक लेगिंग्स और एक बूट्स बना लिए एंड बचे हुए आयरन की हेल्प से मैंने अपने लिए सारे आयरन के टूल्स बना लिए। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुली आयरन का आर्मर आ चुका था। के में आगे बढ़ते बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत रेडस्टोन मिल गए एंड साथ ही मुझे यहाँ पे काफी सारा गोल्ड भी मिल गया जिसे मैंने ले लिया। आगे मुझे यहाँ से भर भर के काफी सारा लैपिस लाजुली मिल गया एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे अपना पहला डायमंड मिल चुका था, जहाँ से माइन करने पे गाइस जहाँ से मुझे टोटल 2 डायमंड मिले। आगे बढ़ते बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे एक जगह पे टोटल 3 डायमंड और मिल गए एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे भर भर के काफी सारा गोल्ड मिल गया जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। एंड ऐसे गाइस 1-2 डायमंड और बटोर के मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लग गया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक जलता हुआ माइन शाफ्ट दिख गया जो कि लावा की वजह से जल रहा था, इसलिए सबसे पहले मैंने लावा को बंद कर लिया। एंड जैसे गाइस आग बुझ चुकी थी मैंने माइन शाफ्ट को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। माइन शाफ्ट में घूमते घूमते गाइस मुझे यहाँ पे चेस्ट मिल चुकी थी, जिसके अंदर से गाइस मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लो बेरीज, लैपिस लाजुली और पावर 3 लॉयल्टी 2 वाली बुक मिल चुकी थी। एंड आगे गाइस मुझे माइन शाफ्ट से थोड़े बहुत स्ट्रिंग्स मिल गए जिसे मैंने ले लिया ताकि मैं अपने लिए वुल बना के अपने लिए एक बेड बना सकूं और मैं आराम से सो सकूं।
एंड थोड़ा आगे बढ़ते गैस मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर से गैस मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत गोल्ड, एक गोल्डन एप्पल और थोड़ा बहुत कोल मिल गया। एंड और कुछ ज्यादा खास मुझे माइन शॉप में मिला नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत आयरन और गोल्ड को माइन करके मैं केव से बाहर आ चुका था। एंड केव से बाहर आके गैस खुले आसमान को देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है। और उसके बाद गैस मैं वापस अपने अड्डे पे यानी कि पानी के अंदर आ चुका था, जहाँ पे पहुंच के गैस मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया सा प्लेन वाला एरिया मिल गया, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे अपना फ्यूचर में घर बनाऊंगा। तो मैं यहीं पे अपना बेस बनाने लग गया, इसलिए मैंने जितने भी मेरे पास चेस्ट थे उसे मैंने रख दिया, मैंने अपने फर्निस को रख दिया, मैंने अपने बेड बना के यहाँ पे लगा दिए एंड मेरे इन्वेंटरी में जितना भी सामान था उसे मैंने चेस्ट में भी ट्रांसफर कर दिया। एंड रात हो चुकी थी गैस एंड मैं बेड पे सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि मैं पानी के अंदर नहीं सो सकता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, इसलिए मैंने मेरे चेस्ट में से जितना भी सामान था उसे मैंने वापस अपने इन्वेंटरी में रख दिया एंड मैं नीचे की तरफ यहाँ पे एक बेस बनाने लग गया ताकि मैं अंडरग्राउंड में जाके इजीली सो सकूँ जहाँ पे अपना पानी नहीं आ सके। एंड जैसे गैस मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रूम टाइप बेस बना लिया, मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने चेस्ट लगा के अपने सामान को फिर से चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड अपने रूम को सेटअप करने के बाद गैस जैसे मैंने अपने बेड को लगाया एंड मैंने जैसे उस पर क्लिक किया मैं फाइनली सो चुका था। वो बात अलग है कि मैं खड़े खड़े सो रहा था। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही गैस मैंने सबसे पहले अपने लिए एक नई डायमंड की पिकेक्स बना दिया क्योंकि मेरी पुरानी वाली आयरन पिकेक्स टूटने वाली थी। एंड यहाँ से गैस मैंने कुछ इस तरीके से एंट्रेंस बनाया था जहाँ से पानी अपने बेस के अंदर भी नहीं आता है और हम आराम से रह भी सकते हैं। बाहर निकलते गैस मुझे यहाँ पे काफी छोटा सा आइलैंड मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के गैस मुझे यहाँ से काफी सारे शुगर केन्स मिल चुके थे जिसे मैंने ले लिया। एंड तभी गैस मैंने देखा कि अपने आइलैंड के जस्ट सामने यहाँ पे एक प्लेन्स वाला विलेज था। लिटरली गैस यहाँ पे अपना बेस था एंड उसके जस्ट सामने यहाँ पे विलेज था, अपने को पता भी नहीं चला। इसलिए मैं सीधे निकल गया अपने विलेज वासियों से यानी कि अपने दोस्तों से मिलने के लिए। बट गैस मैं जैसे इनसे दोस्ती करने के लिए गया लगता है उनको मेरी दोस्ती पसंद नहीं आई एंड उनका बॉडीगार्ड मुझ पर भड़क चुका था, इसलिए गुस्से के मारे मैंने उसे विलेज से ही खत्म कर दिया एंड उसके बदले मुझे थोड़े बहुत आयरन मिले। उसके बाद गैस मुझे यहाँ पे विलेज के फार्म में से थोड़े बहुत पोटेटोज मिल गए एंड आगे मुझे यहाँ पे कुछ शिप्स बंदी हुई दिखी जिनको मार के मुझे यहाँ से थोड़े बहुत वूल और फूड मिल गए। एंड तभी गैस मुझे यहाँ पे क्लेरिक का टेम्पल मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने यहाँ से ब्रिंग स्टैंड को ले लिया। एंड आगे बढ़ते गैस मुझे यहाँ पे एक बच्चर का घर मिल चुका था, जहाँ से मुझे यहाँ पे एक स्मोकर मिल चुका था अपने खाने को फास्ट कुक करने के लिए। एंड फाइनली गैस मुझे यहाँ पे अपने मेन काम की चीज यानी कि काफी सारे हेबल्स मिल गए जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से बटोर लिया। एंड तभी गैस मैंने देखा कि अपने विलेज के जस्ट पीछे यहाँ पे एक छोटा सा लावा पूल है जिसकी हेल्प से हम ऑब्सिडियन बना के नेदर में जा सकते थे, इसलिए मैंने फटाफट से सबसे पहले लावा को ऑब्सिडियन बना दिया। एंड उसके बाद गैस मैंने एक एक करके सारे ऑब्सिडियन को माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड क्योंकि गैस पानी में रहने की वजह से हमें हेस्ट का इफेक्ट मिलता है, मैं लिटरली एक क्लिक में कोई भी ऑब्सिडियन को तोड़ पा रहा था। अपने बेस पहुंच के गैस मैंने सबसे पहले मेरे पास जितने भी हेबल्स थे उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स बना लिए। एंड जो गैस मैं ऑब्सिडियन लेके आया था उसकी हेल्प से मैं अपने बेस के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा नेदर पोर्टल बनाने लग गया एंड फ्लिंट एंड स्टील बना के मैंने अपने पोर्टल को लाइटअप भी कर दिया। एंड उसके बाद पोर्टल लाइटअप करके गैस मैं सीधा निकल गया नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में पहुंचते गैस मैंने देखा कि मैं स्पॉन हुआ था सोल सैंड वाले बायोम में, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते गैस मुझे यहाँ पे काफी सारे बोन के ब्लॉक्स मिल गए जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। एंड इसी तरीके से चलते चलते गैस मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक हिडन रोइन पोर्टल जो कि मेरी आंखों से नहीं बच सका। एंड यहाँ पर पहुंचते गैस मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से गैस मुझे यहाँ पे गोल्डन एप्पल, गोल्ड की स्वॉर्ड, लेगिंग्स और कुछ नगेट्स मिल गए। एंड यहाँ से गैस नीचे की तरफ एक गोल्ड का ब्लॉक था जिसे मैंने लावा से बचाते हुए ले लिया एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे एक और गोल्ड का ब्लॉक था, मैंने उसे भी ले लिया। एंड ऐसे गैस मैं रैंडमली इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी गैस मुझे यहाँ पे मिल चुका था क्रिम्सन बायोम में छुपा हुआ एक बैस्टियन। एंड क्योंकि गैस ये बैस्टियन जो है क्रिम्सन बायोम में हिडन था तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली रास्ता मिल गया चेस्ट की तरफ, जहाँ पे पहुंच के मुझे पहली चेस्ट में से कुछ बोन के ब्लॉक्स मिल गए, कुछ एरोज मिल गए और एक आयरन की स्वॉर्ड मिल गए। एंड यहाँ पे एक और चेस्ट थी जिसके अंदर से गैस मुझे यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस, कुछ ऑब्सिडियन, कुछ मैग्मा क्रीम्स और एक गोल्ड के बूट्स मिल गए। बाजू वाले कमरे में गैस मुझे यहाँ पे एक डबल चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर मुझे और भी भर भर के काफी सारे लूट मिल गए जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड उसे कलेक्ट करके गैस मैं बैस्टियन के ब्रिज पे पहुंच गया, जहाँ पे पहुंच के मुझे यहाँ से दो गोल्ड के ब्लॉक मिल गए। अब मेन बैस्टियन के अंदर पहुंचते गए मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी सारे बोन के ब्लॉक्स और गोल्डन कैरेट्स मिल गए। एंड नीचे उतरते उतरते मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी सारे एरोज मिल गए। बैस्टियन की सारी चेस्ट को चेकआउट करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेजर वाले एरिया में आ चुका था, जहाँ पे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक थे जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से चोरी करना स्टार्ट कर दिया। एंड सारे गोल्ड के ब्लॉक को चोरी करने के बाद यहाँ पे भी मुझे एक चेस्ट मिल गई जिसके अंदर से मुझे और भी काफी सारे गोल्ड, एक डायमंड के बूट्स और एक नेथराइट का इंगट मिल गया। एंड इन सारी लूट को कलेक्ट करके मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लग गया। एंड चलते चलते गैस मैं यहाँ पे पहुंच चुका था एक सोलसन वाले बायोम में, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते गैस फाइनली मुझे यहाँ पे बड़ा सा नेदर फोर्ट्रेस भी मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के गैस अपने पार्कर वाले स्किल दिखाते हुए मैं सीधा फोर्ट्रेस के अंदर चले गया। फोर्ट्रेस के अंदर पहुंचते ही गैस थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक ब्लेस का स्पॉनर मिल गया, जहाँ पे हमेशा की तरह पहुंच के मैं यहाँ पे एक एक करके सारे ब्लेस को मारना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे इनाफ ब्लेज रॉड मिल सके।
काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आया एंड नीचे पहुंच के मुझे ऐसे काफी सारे नेदर वॉर्ड्स मिल गए एंड थोड़ा आगे बढ़ते यहाँ पे भी मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर मुझे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला, बट आगे वाले चेस्ट में से यहाँ से मुझे कुछ आयरन और गोल्ड मिल गए एंड थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे थोड़े बहुत डायमंड और कुछ और गोल्ड मिल गए एंड इन सारे लूट को कलेक्ट करके गाइस मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। अपने बेस पे पहुंचे गाइस मैं सबसे पहले मैंने जितना भी लूट कलेक्ट करके लेके आया था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी ट्राइडेंट लेने की जिसके लिए मुझे कुछ राउंड्स को मारना पड़ेगा एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइस मुझे अपना पहला ट्राइडेंट वाला भैया मिल चुका था जिसको पहली बार मैं मारते गाइस मुझे अपना ट्राइडेंट मिल चुका था। पर उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम थी एंड उसको रिपेयर करने के लिए अपने को और भी काफी सारे ट्राइडेंट की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक करके और भी काफी सारे राउंड्स को मारने लग गया ताकि मुझे इनफ ट्राइडेंट मिल सके जिनको मिला कि मैं अपने लिए एक फुली रिपेयर ट्राइडेंट बना सकूं। 6.5 hours later एंड इस तरीके से गाइस काफी देर तक कुटाई करने के बाद मुझे यहाँ से टोटल 6 ट्राइडेंट मिल चुके थे जो कि आई थिंक इनाफ है एंड उसकी हेल्प से गाइस मैं यहाँ पे एक एक करके सारे ट्राइडेंट को मिला के उन्हें रिपेयर करने लग गया एंड ऐसा करते करते गाइस मुझे यहाँ पे टोटल 2 ट्राइडेंट मिल चुके थे जिनमें एक की जो हेल्थ फुल थी एंड एक की जो थोड़ी सी हेल्थ कम थी एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ से सीधा निकल गया इस वर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ पे चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुकी थी एक शिपरेक जो कि टोटली पानी के बाहर थी। शिपरेक के अंदर पहुंचते गाइस मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे थोड़ा बहुत पेपर एक ट्रेजर मैप और एक क्लॉक मिल गया एंड दूसरी तरफ भी गाइस यहाँ पे एक चेस्ट होती है जो कि आई थिंक माइनक्राफ्ट वाले रखना भूल चुके थे। क्या गुंडा बनेगा रे तू एंड काफी देर तक ढूंढने के बाद गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे ट्रेजर वाली चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर से गाइस मुझे यहाँ पे कुछ आर्मर पीस कुछ आयरन इंगट और एक डायमंड मिल गया एंड इसी तरीके से चलते चलते गाइस हमारे जस्ट सामने यहाँ पे शुरू हो चुका था एक डेजर्ट बायोम एंड डेजर्ट बायोम के अंदर पहुंचते गाइस मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक डेजर्ट टेम्पल मिल चुका था। टेम्पल के अंदर पहुंचते गाइस मुझे यहाँ पे पहली चेस्ट में से सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही मिला, दूसरी चेस्ट में से यहाँ से मुझे गोल्डन एप्पल मिल गया, तीसरी चेस्ट में से यहाँ से मुझे थोड़े बहुत आयरन और रॉटन फ्लैश मिल गए एंड लास्ट वाली चेस्ट में से मुझे फिर से कूड़ा ही मिला एंड मैं जस्ट गाइस रैंडमली डेजर्ट बायोम के अंदर घूम ही रहा था कि तभी यहाँ पे मुझे मिल चुका था एक डेजर्ट विलेज यानी कि अपने को मिलने वाला है बहुत सारा खाना। जहाँ पे पहुंचते गाइस मुझे यहाँ पे सबसे पहले 2 हेबल्स मिल गए, आगे मुझे यहाँ पे इनके फार्म से जो है काफी सारे वेट मिल गए एंड आगे यहाँ पे गाइस मुझे भर भर के यहाँ से काफी सारे हेबल्स मिल गए जिसे मैंने एक एक करके ले लिया एंड काफी देर ढूंढने के बाद गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिल चुकी थी जिसके अंदर से गाइस मुझे फिर से जो है काफी सारा खाना और कैक्टस मिल गया एंड तभी गाइस मैंने देखा कि हमारे डेजर्ट बायोम के जस्ट सामने यहाँ पे शुरू हो चुका था एक मैंग्रोव बायोम जो कि 1.19 वाला नया बायोम है जो कि अपने को 1.19 वाली वीडियो में भी नहीं मिला था, इसलिए मैं सीधा चले गया मैंग्रोव बायोम को थोड़ा बहुत देखने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। बट वहाँ पे गाइस मुझे ऐसा कुछ ज्यादा खास मिला नहीं, मुझे यहाँ से थोड़े बहुत लॉग्स मिल गए जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे इसलिए मैंने उसे ले लिया एंड और कुछ ज्यादा मुझे एक्सप्लोर करने के लिए मिला नहीं इसलिए मैं वापस अपने बेस पे आ गया एंड गाइस अभी जो है काफी ज्यादा टाइम हो चुका था एंड अब बारी आ चुकी थी अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर बनाने की, इसलिए मैं सीधा निकल गया एक बढ़िया सी केव ढूंढने के लिए जहाँ से हमें काफी सारे डायमंड मिल सके और हम अपने डायमंड के आर्मर को कम्प्लीट कर सके एंड इस तरीके से गए तैरते तैरते मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक ओशन रूइन जहाँ पे पहुंचे गए। मैंने यहाँ पे चेकआउट किया कि यहाँ से मुझे एक तो चेस्ट मिले बट मुझे यहाँ पे एक भी चेस्ट नहीं मिली एंड थोड़ा की बढ़ते गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे एक अंडर वाटर काफी बड़ी सी केव मिल चुकी थी जहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ से काफी सारे भर भर के आयरन मिल गए एंड साथ ही मुझे यहाँ पे भर भर के काफी सारे लैपिस लजूली और कोल भी मिल गए, मैंने उसे भी फटाफट से माइन कर लिया एंड लिटरली गाइस इस केव में जो है आयरन की बिल्कुल नहीं कमी थी, यहाँ पे भर भर के काफी सारा आयरन था जो की अपने को वैसे भी चाहिए था। आगे बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत रेडस्टोन मिल चुके थे एंड थोड़ा देर ढूंढने पर ही गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे मिल चुके थे कुछ डायमंड जो की थे पुराने वाले डायमंड जो की अपने को 1.17 से पहले मिलते थे। आगे बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत गोल्ड मिल गए जिसे मैंने ले लिया एंड आगे बढ़ते बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे काफी सारे भर भर के डायमंड्स मिलते जा रहे थे जिसे मैं यहाँ पे एक एक करके माइन करते जा रहा था एंड यहाँ पे तो मुझे एक ही बार में टोटल 6 डायमंड्स मिल चुके थे एंड ऐसे गाइस मैं यहाँ पे जो है आयरन की माइनिंग कर रहा था तभी यहाँ पे मुझे आयरन के नीचे कुछ छुपे हुए मिले डायमंड्स, मैंने उनको ले लिया एंड इस तरीके से मैंने अपने डायमंड की माइनिंग को कंटिन्यू किया। A few moments later, कई दिनों की तगड़ी माइनिंग करने के बाद गाइस टोटल 37 डायमंड्स हमें मिल चुके थे। अपने बेस पे पहुंच के मैंने सबसे पहले मैं जितना भी आयरन और गोल्ड लेके आया था उसे मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड जब तक वो स्मेल्ट हो रहे थे मैंने फटाफट से अपने लिए एक फुल डायमंड का आर्मर बना दिया एंड बचे हुए डायमंड की हेल्प से अपने लिए सारे डायमंड के टूल्स बना लिए एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड गाइस अभी हमें बहुत टाइम हो चुका है छोटे से बेस में रहते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए बढ़िया सा घर बनाया जाए एंड इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा अपने लिए एक मॉडर्न हाउस, वो भी होगा अंडर वाटर मॉडर्न हाउस एंड उसे बनाने के लिए गाइस मुझे सबसे पहले जो है कॉन्क्रीट की जरूरत थी एंड कॉन्क्रीट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले सैंड और ग्रेवल की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पे अंडर वाटर जो है काफी सारे ग्रेवल को माइन करने लग गया एंड काफी सारे ग्रेवल कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका था एंड ऊपर पहुंच के मुझे यहाँ पे भर भर के काफी सारा सैंड मिल गए जिसे मैंने यहाँ पे एक एक करके अपने लिए माइन कर लिया। काफी सारे कंक्रीट बना लेने के बाद अब मुझे चाहिए थे थोड़े बहुत कॉर्ड्स ताकि मैं अपने लिए स्लैब बना सकूं और अपने मॉडर्न हाउस को थोड़ा बहुत डिजाइन कर सकूं एंड सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद गाइस फाइनली मैंने अपने लिए अंडर वाटर मॉडर्न हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया।
एंड कई दिनों की तगड़ी मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा मॉडर्न हाउस बन के रेडी हो चुका है। एंड फाइनली गैज हमारा मॉडर्न हाउस यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे गैज मैंने अपने लिए स्विमिंग पूल बनाया था, बट क्योंकि गैज अपना घर ऑलरेडी पानी के अंदर था तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ब्लू वाले ग्लास का इस्तेमाल किया ताकि यहाँ पे अपने को स्विमिंग पूल वाला लुक मिल सके। एंड उसके बाद गैज मैंने यहाँ पे अपने लिए एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया था क्योंकि अब बारी आ चुकी थी एन्चेंटिंग करने की। लेकिन बुकशेल्फ बनाने के लिए गैज मेरे पास कोई भी लेदर नहीं थे, इसलिए मेरे पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे उनको मैंने इंगट में कन्वर्ट कर दिया और मैं यहाँ पे सीधा चले गया नेदर में इनकी ट्रेडिंग करने के लिए। एंड लकीली गैज नेदर में पहुंचते मुझे यहाँ पे काफी सारे पिगलिंस दिख गए, जिनके पास पास के मैं यहाँ पे इनको जो है थोड़े थोड़े गोल्ड देने लग गया ताकि वो मुझे काफी सारे एंडर पर्ल्स और साथ ही लेदर दे सके। एंड गाइस हमारा लक आज काफी ज्यादा साथ दिया एंड अपने को यहाँ से भर भर के काफी सारे लेदर्स और साथ ही 20 एंडर पर्ल्स मिल गए, जो कि अपने लिए काफी अच्छी चीज थी। एंड बुकशेल्फ बनाने के लिए गाइस अपने को जो है थोड़े बहुत पेपर की भी जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पे बोन मिल की हेल्प से जो है काफी सारे शुगर केन्स को ग्रो करने लग गया ताकि अपने को काफी सारे शुगर केन्स मिल सके, जिसके हेल्प से मैं पेपर बना के बुकशेल्फ बना सकूं। एंड काफी सारे पेपर कलेक्ट करने के बाद मैंने उसकी हेल्प से काफी सारे बुक्स बना लिए एंड अल्टीमेटली मैंने अपने लिए काफी सारे बुकशेल्फ बना लिए। एंड काफी सारे बुकशेल्फ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक एक करके फटाफट से उनको अपने एन्चेंटमेंट टेबल पे सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। एंड मेरे पास गए थोड़ी बहुत एक्सपी थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ट्राइडेंट को एन्चेंट कर लिया जाए। एंड उसे एन्चेंट करने पे यहाँ से मुझे अनब्रेकिंग 3 के साथ लॉयल्टी 2 मिला, यानी कि गाइस अब अपना जो ट्राइडेंट है वो थॉर के हथौड़े जैसा हो चुका है। एंड अब इसकी हेल्प से गाइस हम इजीली किसी को भी दूर से मार सकते हैं। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने पूरे आर्मर और टूल्स को एन्चेंट करने की, इसलिए मैं आ गया था नेदर में कॉर्ड्स को माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करने के लिए। एंड ऐसे करके मैंने यहाँ पे भर भर के काफी सारे एक्सपीस को कलेक्ट कर लिया। एंड जैसे गाइस मेरे पास इनाफ एक्सपीस हो चुकी थी, मैंने यहाँ पे एक एक करके अपने सारे टूल्स को एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसपे मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिल गई। एंड थोड़े बहुत और एक्सपीस कलेक्ट करने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे एक एक करके अपने पूरे आर्मर को भी एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया एंड उसपे भी मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। एंड गाइस अब अपने पास एक तगड़ा एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर भी आ चुका है एंड अब बारी आ चुकी है ओशन मॉन्यूमेंट को रेड करके अपने कब्जे में लेने की, इसलिए गाइस मैं यहाँ से सीधा निकल गया एक ओशन मॉन्यूमेंट को ढूंढ के उसे रेड करने के लिए। एंड लिटरली गाइस काफी देर तक तैर तैर के भटकने के बाद फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे अपने जस्ट सामने एक ओशन मॉन्यूमेंट मिल चुका था, जहाँ पे पहुंचते गाइस मुझे इन सारे एल्डर गार्डियंस ने जो है माइनिंग फटेक दे दिया था। बट गाइस अपने पास थी हेस्ट 4 वाली पावर, जिससे जो है हम इजिली फिर भी ब्लॉक को तोड़ पा रहे थे। एंड ब्लॉक को तोड़ के गाइस मैं फटाफट से सीधा चले गया ओशन मॉन्यूमेंट के अंदर। अंदर पहुंचते गाइस मैंने देखा कि मैं पहुंच चुका हूँ गोल्ड वाले एरिया में, जहाँ पे इन ब्लॉक के पीछे होता है काफी सारा गोल्ड का ब्लॉक, जो कि हम लेंगे एल्डर गार्डियंस को मारने के बाद। इसलिए मैं यहाँ पे एल्डर गार्डियंस को ढूंढने में लग गया एंड थोड़ा देर ढूंढने पर ही गाइस मुझे अपना पहला एल्डर गार्डियन मिल चुका था, जिसके ऊपर मैंने जो है थोड़े बहुत ट्राइडेंट से अटैक किए, बट उस पर ऐसा कुछ भी ज्यादा खास डैमेज नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने स्वॉर्ड को निकाला एंड उससे जो है थोड़े बहुत अटैक करके मैंने फाइनली पहले एल्डर गार्डियन को मार दिया था। एंड ऐसे गाइस घूमते घूमते मैंने यहाँ पे जो है सेकंड और थर्ड एल्डर गार्डियन को भी ढूंढ लिया था एंड उन्हें मार के मैंने जो है ओशन मॉन्यूमेंट अपने नाम पे कर लिया था। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। एल्डर गार्डियंस को खत्म करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे जो है गोल्ड वाले एरिया में आ चुका था एंड यहाँ पे पहुंच के गाइस मैं यहाँ से एक एक करके सारे गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट करने लग गया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक स्पॉन्ज वाला रूम भी मिल चुका था, जहाँ पे काफी सारे स्पॉन्ज थे, जो कि अभी के लिए तो अपने किसी काम के नहीं थे, बट स्टिल मैं यहाँ पे आया था तो मैंने उसे भी ले लिया। एंड फाइनली गाइस हमने तीनों एल्डर गार्डियंस को हरा दिया था एंड अब ये ओशन मॉन्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ अपना था। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने आपको और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की, यानी कि अपने आपको नेथराइट में कन्वर्ट करने की, इसलिए मैं आ चुका था विलेज में बेड लेने के लिए। एंड तभी मुझे पे कुछ ग्रास ब्लॉक दिख चुके थे, जिसे मैंने ले लिया अपने घर की थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने के लिए। एंड उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे विलेजर के घर से सारे बेड्स को उठा लिए, बट ये विलेज काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और विलेज को ढूंढा एंड वहाँ पे पहुंच के मैंने वहाँ से भी एक एक करके सारे बेड्स को ले लिए। पहले गाइस मेरे पास जो है सिल्टस वाली एन्चेंटमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है लीव्स को ही लगा दिया था, बट अब मेरे पास जो है सिल्टस वाले शॉवल आ चुके हैं, जिसकी हेल्प से मैंने जो है ग्रास ब्लॉक लेके इधर लगा दिया एंड ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद नेदर में पहुंच के गाइस मैंने अपने एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे पहले बेड फोड़ने पे मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला, बट लकीली दूसरा बेड फोड़ते ही गाइस मुझे यहाँ पे दो एंशिएंट डेब्रिस मिल गए, जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से माइन कर लिया। एंड आगे गाइस ऐसी बेड्स को फोड़ फोड़ के मुझे जो भी एंशिएंट डेब्रिस मिलते जा रहे थे उसे मैं एक एक करके माइन करते जा रहा था। एंड इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि कई बार तो मुझे एंशिएंट डेब्रिस मिल ही नहीं रहे थे, बट कभी कभी तो मुझे एक ही बार में तीन तीन एंशिएंट डेब्रिस भी मिल जा रहे थे। एंड काफी सारे धमाका मचाने के बाद गाइस मुझे जो है टोटल 34 एंशिएंट डेब्रिस मिले थे, जिसे मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड जैसे गाइस वो स्मेल्ट हो चुके थे, मैंने उनको इंगट में कन्वर्ट कर दिया एंड मैंने अपने लिए स्मिथिंग टेबल बना दिया, जिसकी हेल्प से गाइस मैंने यहाँ पे एक एक करके फटाफट से अपने पूरे आर्मर और टूल्स को नेथराइट में कन्वर्ट कर दिया। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक तगड़ा फुल्ली एन्चेंटेड नेथराइट का आर्मर भी आ चुका था। नाइस।
एंड उसके बाद गैस मेरे पास जितने भी ब्लेज रॉड थे उनका ब्लेज पाउडर बना के मैंने अपने लिए काफी सारे आई ऑफ एंडर बना लिए। एंड उसके बाद गैस अपने छोटे से आइलैंड पे पहुंच के आई ऑफ एंडर फेंक के मैंने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड की डायरेक्शन को ढूंढ लिया। एंड जैसे मुझे डायरेक्शन मिल गया मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। एंड फाइनली गैस काफी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे लोकेशन मिल चुकी थी, इसलिए मैं नीचे की तरफ डिग डाउन करने लग गया एंड मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। एंड थोड़ी देर ढूंढने पर गैस फाइनली मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल भी मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के गैस मैंने देखा कि यहाँ पे लकीली जो है चार आई ऑफ एंडर पहले से लगे हुए हैं। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे जितने भी आई ऑफ एंडर कम्प्लीट नहीं थे उसे लगा कि अपने एंड पोर्टल को कंप्लीट करके एक्टिवेट कर दिया। एंड राउंड बन के गैस मैं निकल गया एंड को एंड ड्रैगन से फ्री करने के लिए। एंड मैं पहुंचते गैस मैंने अपने ट्राइडेंट की हेल्प से जो है एंड क्रिस्टल को फोड़ने का ट्राई किया, बट वो काफी ज्यादा ऊपर थे इसलिए ब्लॉक को लगाते हुए मैं ऊपर चढ़ गया। एंड ऊपर पहुंच के मैंने अपने ट्राइडेंट की हेल्प से एक एक करके यहाँ से सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड सारे एंड क्रिस्टल फोड़ने के बाद गए जैसे अंडर ड्रैगन नीचे आया मैंने उसकी हेड पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उस पर जो है हवा में ट्राइडेंट से अटैक करते हुए उसकी हेल्थ और भी कम कर दी थी। एंड थोड़ी बहुत और अटैक करने के बाद गए फाइनली हमारे ड्राउन ने जो है एंड को एंडर ड्रैगन से फ्री कर दिया था। एंड इसके साथ गए फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया है 100 डेज एज अ ड्राउन, जिसमें गए मुझे काफी ज्यादा मजा आया। उम्मीद करते गए आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पर गए करते हैं 6000 लाइक का। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।